अजय सुनो, रिवीजन बुकलेट नंबर 4 निकालना एक बार, रिवीजन बुकलेट नंबर 4, प्लीज बात मत करिए एकदम भी, रिवीजन बुकलेट नंबर 4, इसमें तुम्हारा बुकलेट नहीं है, ये किसका बुकलेट है? प्लीज 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 बात मत करो एकदम, अब तो एसी ऑफ कर दो फिर, किस पे पानी गिर रहा है, ऑफ कर दो, तुम सामने आके बैठ जाओ, तुमको इतना गर्मी लग रहा है। तो बॉन्ड्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखना, बहुत दिक्कत है तुम लोग के लिए, एक मिनट स्टार्ट करते एक बार। जैसे बॉन्ड लोन एग्रीमेंट, मान लो 10,000, कोई बॉन्ड्स का कॉपी लाया क्या? कौन कौन लाया हाथ उठाओ एक बार। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करा दे रहे। ये सब तुम लोगों को बेसिक्स तो पता ही है ना बॉन्ड्स का, लाइक कूपन रेट होता है, कूपन रेट हाफ ईयरली जनरली, टैक्स कैसे किस पे लगाते हैं, ये सब तो हल्का फुल्का बताई दी थे ना आज। तो एक सम कराते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक बार रिमिक्स ऑन करना, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार ऑन करना, क्वेश्चन नंबर 19 कौन वाला किया वे? अलोन पेज, सुनो ये जो पिच पाच है ना मत करो एकदम, क्या फायदा हो रहा है, जाना है तो जाओ, कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठाओ, जाओ और किसको जाना है हाथ उठाओ, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ, लॉजिक ही नहीं समझ आ रहे, जाने जाने। क्या तुम लोग पढ़ते हो घर में, क्या पढ़ते हो तुम? तो 4 घंटे में हालत खराब हो गया है, तुम लोग कैसा लग रहे हैं आज, समझ में आ गया क्या क्या स्टेटस पे स्टैंड करते हो? 4 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा है, अब देख लो, फिर हमको रात में जब डर लगे तो रात में, भैया मन तो बहुत है लेकिन पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है मेरा, बहुत मेरा भैया अच्छा नंबर ले लेकिन पता नहीं मेरे से हो नहीं रहा भैया, क्या करें? तो क्या जवाब दें बताओ, तुम लोग बताओ क्या जवाब दें उसको, वो अच्छा 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहा एक दिन में, 24 घंटा में 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है, ये वो जो बोला रोडीज 3 घंटा हिलेगा नहीं टीवी के बगल से, ना भूख लगेगा उसको ना उसको प्यास लगेगा। अच्छा बोलो, ऑडियो में 2 चीज डिलीट करना है, हम भी पढ़ रहे हैं, भूख और प्यास तो लगता है तो भूख और प्यास तो बहुत जोर का लगता है पढ़ते हुए, ठीक है चलो। 19, अलोन पेस कूपन्स ऑफ 11% पर एनम क्वार्टरली ऑन 1st January, 1st April, 1st July, 1st October, कुछ नया बात नहीं बोल रहे हैं। द लोन विल बी रिडीम्ड एट 115% ऑन एनी 1st January फ्रॉम 1st January 2000, हाँ ये तुमको चाहिए था, इसका नाम क्या है? ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स। अच्छा ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स वाले में मान लो ऐसे बोलता है, क्या होता था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कुछ, उसमें क्या होता था उसमें, वर्स्ट केस बेस्ट केस, अच्छा गेन में फीस एडवांस भी लेते हैं ना अरियर में, एडवांस में, तो गेन्स में बेस्ट केस क्या होगा? अर्लीएस्ट। गेन्स में वर्स्ट केस क्या होगा? सबसे लास्ट। इसके रेफरेंस में बताना, इसके रेफरेंस में बताना, मान लो कैपिटल गेन हो रहा है, दिशा तुमसे पूछ रहे हैं, मान लो कैपिटल गेन हो रहा है तो 2015 में करेगा ना 2020 में करेगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? 15, गेन का वर्स्ट केस सिनेरियो 20, लॉस का वर्स्ट केस सिनेरियो, लॉस का वर्स्ट केस सिनेरियो 15 एंड लॉस का बेस्ट केस, ठीक है? तो अच्छा लॉस का वर्स्ट केस 20 क्यों है? लॉस का वर्स्ट केस 20 क्यों है? एक मिनट तो पूछना, एक मिनट को, लॉस का क्या बोला, वर्स्ट केस क्या है? 15। लॉस का वर्स्ट केस 15 क्यों है? पीवी देखते हैं ना, पीवी लाइक गेन का पीवी सबसे ज्यादा कब आएगा? कौन है? अच्छा गेन का आधा घंटा एक घंटा आप बैठेंगे, ठीक है, गेन का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है
नमस्ते बोलेंगे, पैर छुएंगे, धोख खाएंगे. ओके, गेन 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 का बेस्ट केस क्या बोला तुम लोग? 15. तो उसमें पीवी सबसे ज्यादा, लॉस का बेस्ट केस 20, पीवी सबसे कम. ठीक है. एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोवर इन एडिशन टू द रिडेम्पशन प्रोसीड्स, इसका अब फ्लो बता रहे हैं. फ्लो क्या है? कोई खरीद रहा है, फिर वो बेच रहा है किसी और को, फिर वो लास्ट तक होल्ड कर रहा है. यही है इसका. एन इन्वेस्टर परचेज द होल्डिंग ऑफ द लोन ऑन 1st January 2005 इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द कूपन एंड ड्यू एट अ प्राइस विच गेव हिम अ नेट रिडेम्पशन यील्ड ऑफ एटलीस्ट 8% पर एनम इफेक्टिव. नेट रिडेम्पशन यील्ड मतलब क्या बोल रहे हैं? आई ठीक है. द इन्वेस्टर पेज टैक्स एट 30% इनकम टैक्स एंड 25% सीजी टैक्स. अभी चलो लास्ट वाला पैरा नहीं पढ़ना है. द प्राइस पर 100 नॉमिनल एट विच द इन्वेस्टर बॉट द लोन, बताओ. 6 नंबर का यार, डू सम जस्टिस. हाँ अच्छा बात बताओ, एटलीस्ट 8% बोल रहा है, तो एटलीस्ट 8% का मतलब क्या है? वर्स्ट केस लेंगे तो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है. हाँ जैसे देखो क्या होता है, मान लो ऐसे बोलता है मेरे को मिनिमम 7% रिटर्न चाहिए. अगर मान लो बेस्ट केस में 7% आता है, बेस्ट केस में 7% रिटर्न कमा रहे हैं, तो जब उससे हल्का कम नीचे वाला केस करेंगे तो 7 आएगा ना, 7 से कम. तो मतलब जो वर्स्ट केस होगा उसमें कितना आएगा? 7 से बहुत कम. बोलता है मिनिमम से मिनिमम कितना कमाना है? 8. तो इसलिए काम करते हैं जो वर्स्ट है उसमें कितना ले लेंगे? 8. अगर वर्स्ट में 8 ले लेंगे इसका मतलब क्या है? कम से कम कितना मिलेगा? हम बोलते हैं बेटा अगर मेरा शक्ल दोबारा नहीं देखना है ना, तो वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस 60 तो ले ही आना. वर्स्ट में अगर 60 आएगा इसका मतलब क्या है? बेस्ट में कितना आएगा? ज्यादा ही आएगा, 80, 90, 100. ठीक है. तो वही बोल रहा है मिनिमम 8%, इसलिए वर्स्ट केस लेके कर रहे हैं. वर्स्ट टू वर्स्ट कितना आना चाहिए? 60. ठीक है. तो वही बोला मिनिमम 8%. ओके, तो गेन में वर्स्ट केस मतलब क्या होगा? कब रिडीम करेगा? अच्छा पहले तो ये देखो, एक मिनट, गेन है कि नहीं पहले ये तो देखो, कैसे किसमें खरीदा है? रिडेम्पशन तो कितना हो रहा है? 115 पे हो रहा है. और परचेज कितना में किया है? अच्छा प्राइस तो निकालना ही है, तो प्राइस कैसे निकालेगा? सबसे पहले वो क्या हेडिंग लगाओ, सीजी टेस्ट. तो सीजी टेस्ट में कैसे करेंगे बताना? सीजी टेस्ट में क्या करेंगे बताना प्लीज? करो. मैंने इसमें क्या होगा? हाँ करो. I4 और 1 minus T1 D/R बड़ा आ रहा है, करके देख लेना फिर से. हाँ अभी इस बता रहे क्या क्या बोला. ओके ये रस हम पूरा कर ही लेते, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है. तो ज्यादा आ रहा है क्या गौरव? कर बेटा कर, पूरा सम करेंगे. हाँ गेन आ रहा है. आई फोर कितना रेट में निकालेंगे ये पूछ रही है. और वो जो टी वन है वो तो कैपिटल गेन का रेट है. ओ अच्छा इनकम टैक्स तो ठीक है. 1 minus T1 D व्हाट इज डी? 11 बाय 100 की 115. करके देख लो, i4 एट द रेट 8%. इतना क्या घुमा रहा है यार? तो एक सेकंड हो जाना चाहिए. 8% का टेबल बुक खोलो, 8% का टेबल बुक खोलो. ग्रेटर आ रहा है? स्टेप वन लिख दो. स्टेप वन कैपिटल गेन्स टेस्ट. देयर इज अ कैपिटल गेन. ऋषभ तो बेहोश हो जाएगा लग रहा है. तो 3-4 बड़े सिलाएंगे चढ़ाएगा जाके. अच्छा अगर गेन आ रहा है, सुने एक बात मेरा रजत,
हाँ अगर गेन आ रहा है तो कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए प्रोविजनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, मतलब समथिंग माइनस, एक बार फील आ रहा है, फील दिला रहे हैं, क्या होगा? प्राइस इज इक्वल टू कूपन वाला, कूपन वाला का कितना परसेंट देख के बताओ, कूपन वाले का कितना? 70%, बिकॉज 1 माइनस 30% इज वॉट, 70%, प्लस जो रिडेम्पशन प्रोसीड है, माइनस माइनस क्या कैपिटल गेन, क्या होता है? सेल माइनस परचेज, माने जो भी तुम्हारा 115 माइनस पी कब होगा? 5 साल, कितना साल बाद है? 15 साल बाद है, तो वी टू दिवा 15 इंटू कितना परसेंट है कैपिटल गेन्स टैक्स? 25% है, ठीक है? तो ओके, तो लिख देना पी इज इक्वल टू 11 वन माइनस 0.3 कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो गेन का। वर्स्ट केस सिनेरियो गेन का मतलब क्या होता है? लास्ट पॉसिबल डेट। प्लीज नहीं, क्वेश्चन पढ़ो स्टार्ट, वो सही बोल रहा है, लेकिन देखो क्या बोल रहा है, जब वो लिया ना उस समय वाला पेमेंट हो चुका है ना, होने वाला है, हो चुका है, तो अल्टीमेटली हो क्या गया? अरियर भाई लैंग्वेज में पूरा घुमाएगा, बता रहे हैं। और बोलो एनआरवाई, और बता रहे हैं। एक बार यहीं बस स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा डिवेट कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं, सब लोग मेरे तरफ देखेगा। एनआरवाई और जीआरवाई दोनों ही यील्ड होता है, मतलब आई। जीआरवाई का मतलब क्या है? एक सेकंड का टाइम ले रहे, हाँ आपस में बात कर लो, 1 सेकंड बस, खाली वो क्वेश्चन नंबर। बोला क्वेश्चन किसी को याद है क्या? मतलब इसमें अभी वो क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा है, 1 मिनट सुन लो। उसमें तुम्हारा ये सब चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें तुम्हारा कितना 21 है क्या? हाँ 21 का पार्ट 2 देखो एक बार, 21 देखो एक बार, डिवाइड कर हल्का सा एक बार, 21 का पार्ट 2 अभी संग संग हो जाएगा। डिटरमाइन दी, प्लीज बात मत करो, डिटरमाइन दी एनुअल इफेक्टिव ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड। तो ये जो ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड है, क्वेश्चन में देखो हम लोग को दिया हुआ है कि टैक्स है। अगर मान लो क्वेश्चन पूरा दे देगा, ट्विस्ट कैसे करेगा पता है? क्वेश्चन में एकदम बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखेगा इनकम टैक्स इतना, कैपिटल गेन्स टैक्स इतना, दो टाइप का घुमाएगा। पहला क्या बोलेगा पता है? टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टर। तो अगर टैक्स एग्जेम्प्ट है, आप बच्चा बोलेगा भाई नहीं भाई दिया है, करना तो जरूरी है भाई, दिया तो सब कुछ है, जैसे हमको टैक्स नहीं लगता है, हम नोबल काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको टैक्स, 1 मिनट, हमको टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया में टैक्स का रेट नहीं है, टैक्स का तो रेट है, 30% स्लैब में आते हैं, लेकिन देते थोड़ी है, ठीक है? तो वो एक बात हुआ। दूसरा कहाँ घुमाएगा? दूसरा बोलेगा टैक्स का रेट दे दिया है, इनकम टैक्स इतना, कैपिटल गेन्स टैक्स इतना, और बोलेगा ग्रॉस निकालो। तो ग्रॉस मतलब क्या? ग्रॉस कैश फ्लो। यहां पर ग्रॉस कैश फ्लो कितना का, नेट कैश फ्लो कितना का, इस सब में बताओ। 11 जो है ना, 11 वो क्या है? ग्रॉस। एंड 11 इंटू 0.7 कितना होता है बताओ एक बार, कितना? 11 इंटू 0.7, हाँ ठीक है, 7 पूछ रहे थे, 7.7 क्या हो जाएगा नेट? तो अगर बोलेगा एनआरवाई निकालो तो क्या करेंगे? एनआरवाई मतलब 7.7 लेंगे और कैपिटल गेन्स टैक्स वाला भी लेंगे। और अगर बोलते हैं जीआरवाई निकालो, जीआरवाई तो 11 एंड टैक्स को पूरा इग्नोर मार देंगे, ठीक है? उसमें करेगा फिर से, रेट तो भाई वही दिया होगा तेरे को, नहीं समझा? जैसे यहां पर 8 दिया ना, वहां पर कुछ 10 कुछ भी देगा, वो लोग रेट तो वही लेगा। कहाँ दिया है? वो तो दूसरा वाला पार्ट के लिए दिया है, पार्ट 1 करे ना अभी, तो एक इन्वेस्टर का तो एक ही बार में करेगा, ठीक है? अच्छा ये एक और क्वेश्चन मेरे मन, 1 मिनट 1 मिनट, ये एक और क्वेश्चन मेरे मन में डाल दिया है। क्या पूछा था तुमने? फिर से पूछता हूँ, क्वेश्चन भूल गया अपना। हाँ ये वाला पार्ट, 1 मिनट 1 मिनट, ये जो सीजी टेस्ट है,
ग्रीन में देखो सीजी टेस्ट है, सुनो एन इन्वेस्टर क्वेश्चन ध्यान सुना, ए चिटचैट क्लास चल रहा है क्या? अरे तुम बोलोगी सीजी टेस्ट, मैंने मैं क्वेश्चन सुन लो, इन्वेस्टर इज नॉट लायबल, इन्वेस्टर इज नॉट लायबल टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है? तो प्राइस निकालना है, ये जो है ना ऑप्शन रिडेम्पशन डेट्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बोला इन्वेस्टर इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन्स टैक्स, तो बताओ कैपिटल गेन्स टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, वो तो करेंगे ही, वो किस चीज का टेस्ट है? पहले एक मिनट, पहले तो क्वेश्चन समझ गया, तुम नहीं समझा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है इन्वेस्टर इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन्स टैक्स, इन्वेस्टर, एक मिनट भाई ध्यान सुनो, नो कैपिटल गेन्स टैक्स, जिस इन्वेस्टर का, ये क्वेश्चन से डिबेट करिए थोड़ा सा, इन्वेस्टर को कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताओ कि कैपिटल गेन्स टेस्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाना पड़ेगा। एक बात बता देते हैं, टेस्ट किसका है? कैपिटल गेन का टेस्ट है। अरे गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, टैक्स बाद में देखेंगे, इसीलिए तो T1 यूज कर रहे हैं ना कि T2। कैपिटल गेन अगर हो रहा है तो अर्लीएस्ट पॉसिबल डेट क्या होगा? बेस्ट केस। ऑप्शनल में कैपिटल गेन्स टेस्ट तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है? प्लीज डोंट कंफ्यूज, दिस इज नॉट कैपिटल गेन्स टैक्स टेस्ट, इट इज कैपिटल गेन्स टेस्ट, ठीक है? फिर से नहीं, तुमको ये इश्यू डेट कहां दिया है? इसमें इश्यू डेट तो नहीं दिया है, हाँ इश्यू डेट तो नहीं दिया ना, लास्ट पेमेंट कब होगा इसमें? ठीक है ओके, तो अभी इसका इक्वेशन बताना क्या होगा, बताओ बोल। टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टर है और टैक्स एग्जेम्प्ट बोल देना, टैक्स को पूरा इग्नोर मारेगा, तुम नहीं समझ रहे है। अगर ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स है तो कैपिटल गेन्स टेस्ट का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि मेरे को डेट पता चले कि वो कब रिडीम करेगा, मेरे को डेट पता लगना चाहिए कि वो, अरे बाबा कैपिटल गेन का बात हो रहा है, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स में टैक्स का बात हुआ ही नहीं कहीं पर, टैक्स इज समथिंग डिफरेंट। तुम ये जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस निकाल रहे ना, ये कौन सा बेसिस में निकाल रहे है? टैक्स का बेसिस में नहीं निकाल रहे है, गेन या फिर लॉस का बेसिस में निकाल रहे है। तो अगर गेन होगा तो कुछ अलग केस होगा, अगर लॉस होगा तो कुछ अलग केस होगा, टैक्स देना नहीं देना बात का बात है। हाँ वो तो फॉर्मूला में, हाँ इसका एक विषय बनाओ, क्या आ रहा है बताना, एक मिनट तुम क्या पूछो, तुम फिर से बोल क्या बोला, एक मिनट का क्वेश्चन सुनो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, टैक्स एग्जेम्प्ट है और नहीं, इस केस में नहीं होगा, हाँ 11 ही लेगा, अगर मान लो टैक्स एग्जेम्प्ट है तो टैक्स लगता ही नहीं तो काहे का T1? नहीं वही तो बात है ना, नहीं क्यों लगेगा, टैक्स एग्जेम्प्ट है उसको टैक्स रेट लगता ही नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ कैपिटल गेन टेस्ट कैरी करेगा बट 1 माइनस कुछ नहीं होगा बिकॉज उसके लिए T1 T2 क्या है, 0, ठीक है? इसीलिए ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 ये सारा डाउट्स खड़ा उतरता है, क्वेश्चन नंबर 19 आओ, प्लस क्या होगा बताना, 115 माइनस 0.25, 115 माइनस पी, हाँ रटक है क्या, 103.1
दिस इज पार्ट वन. इसको प्लीज स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें दोनों का प्रैक्टिस उठ गया अपना, बाद में लगा लेना. इसका लास्ट वाला पहला पढ़ना था एक बार क्वेश्चन का. हाँ जोर से पढ़ो, एक मिनट पढ़ो. ए वो कुछ पढ़ रही है, हाँ लास्ट पहला पढ़ रही है, बोलो. कब बेचा है तो होल्डिंग कितने साल का है, होल्डिंग कितने साल का है मैं पूछ रहा हूं. 2005 को खरीदा, 2008 को बेच दिया, तो 6, 7, 8. नेक्स्ट आगे बढ़ो. हाँ मतलब लेके बेचा है क्या चीज, वही तो मतलब 3 साल हुआ ना, 5, 6, 7, 5, 6, 7. हाँ ठीक है, हाँ आगे पढ़ो. तुम ढंग से नहीं पढ़ो, फिर से पढ़ो. टू अ फंड विच पेज नो टैक्स, ठीक है. ग्रॉस, अरे भाई पूरा मूर्ख बनाया है, पूरा मूर्ख बनाया है. एक तरफ बोल रहा है नो टैक्स, फिर बोल रहा है ग्रॉस. हाँ एटलीस्ट 9% है, अगेन वही चल रहा अपना क्या चीज. अच्छा पहले ये बताओ रिडेम्पशन कितने में होगा, इसमें रिडेम्पशन कितना होगा, 115 पे ही होगा. फिर रिडेम्पशन 115, आगे बोलो पार्ट टू इसका. पहले कैपिटल गेन्स टेस्ट करेंगे, अभी रेट कितना हो गया 9%, तो क्या निकालेंगे I4 एट द रेट व्हाट 9%. नाउ दिस, और इसको इक्वेट किससे कर रहे हैं, 1-0, ऐसे लिखो प्लीज कॉपी में लिखो 1-0. एंड यहां पर एरो दो, नो टैक्स इनटू क्या होगा बताना, इनटू 11/115. इसमें क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा नोट्स लिखवा देंगे ताकि एकदम कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है. तो अब बताओ लॉस आ रहा है कि गेन आ रहा है, फिर से वर्स्ट केस लेंगे तो लॉस में वर्स्ट केस. लॉस में वर्स्ट केस, लॉस का वर्स्ट 15 होगा. लॉस में वर्स्ट केस इज व्हाट 15. तुमको समझ आ रहा है ना पक्का, प्रॉमिस. हाँ ठीक है तुमको 15 साल. खरीदा कब है 8, कितना साल बच गया. चलो इक्वेशन बनाओ. P2 11 A74 प्लस 115 क्यों, इसमें वो नहीं बनाएंगे क्या कैपिटल गेन्स वाला, क्यों. ओ मैं भूल जाता हूं. प्लीज सब लोग कैलकुलेट करो प्लीज. ये तो ऐसे देख रहे, ऐसे उठ के मार ही देगी मेरे को, ऐसे बोले ना प्लीज सब लोग कैल करो. कोई बात नहीं, एक ज्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा ना. नहीं फर्स्ट वाली का बात करें, सेकंड वाली का मैंने नहीं. बॉन्ड इज सोल्ड, मैंने तुम वही बोला ना, इन्वेस्टर वन सोल्ड द बॉन्ड टू इन्वेस्टर टू बिफोर वन, तो उसको 11 मिलेगा, इसको एक ज्यादा मिलेगा. हाँ इसको क्वार्टर्स में करना पड़ेगा फिर. कितना आ रहा है
अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो तो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट क्या बोल रहा है? अच्छा इसमें एक और बात आ रहा है, एक डाउट आया था मेरे को, वो हम पूछ रहे तुम लोग से, ये जो इन्वेस्टर टू का जो प्राइस है ना, वो किसके हिसाब से निकाले? इन्वेस्टर वन बेचा उसके हिसाब से ना इन्वेस्टर टू खरीदा उसके हिसाब से? इन्वेस्टर टू खरीदा उसके हिसाब से, ठीक है ओके। और ये पार्ट थ्री कुछ भी नहीं है, जितना मैं खरीदा जितना मैं बेचा क्या गेन लॉस हुआ उसका अकाउंटिंग करना है। चलो स्टार्ट। तो पार्ट थ्री बताना क्या होगा, कितना में खरीदा था? 103.174। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 11 × 0.7। ए कितना? हाँ हाँ कन्वर्टिबल क्वार्टर, देखो क्वार्टर्स में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में करें, कोई दिक्कत नहीं। 11 × 0.7 × A43 प्लस कितना में बेचा है? 120। अच्छा कैपिटल गेन हो रहा है 120.V³ माइनस कितना का गेन बताना नेट में करके? 16.932 का अरे बोलो ना V³। यहां सॉल्व कर लेंगे, हाँ क्या निकाल पहले नेट यील्ड कन्वर्टिबल क्वार्टरली ना, तो I4 निकालेंगे। प्लीज सॉल्व कर लो प्लीज, एक तो इंटरपोलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा शगुन का, तो जोर से बोलो बेटा हु दिस वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इन्वेस्टर वन एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स। हाँ तब बोला नहीं आएगा, अरे इसी सब में बहुत सारा केस बन सकता है। ठीक है बेटा कौन सा वाला? देखो नॉर्मल कुछ भी नहीं करना है, इतना वही तो बोला क्वेश्चन में। क्या थर्ड क्वेश्चन पढ़? हाँ इन्वेस्टर वन का बात किया ना, नेट डील कौन अपडेट किया? वही तो है जो खरीदा बेचा दोनों किया ना, तुमको इन्वेस्टर टू का तो पता। एक मिनट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक और नोट्स में लिखवाएंगे। ये बोल रहा है कैसे पता चला इन्वेस्टर वन का ही बोल रहा है, कहां लिखा है? नहीं लिखा, क्वेश्चन पढ़। बोल नहीं ये तो ठीक है, अगर हम ऐसे बोले तो मान लो अगर ऐसे होता तो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर भी और बोल रहे इन्वेस्टर का निकालो, तो एक है कि दोनों का निकाल देंगे? एक ही निकालेगा क्योंकि हम लोग ऐसा कर चुके हैं। और एक बात क्या है कि इन्वेस्टर बी का तो मेरे को पता ही है ना, वो जो कितना था उसका 9%। अगर इन्वेस्टर ए, तुम लोग बात मत करो आपस में क्लास के बाद बात करना। अगर इन्वेस्टर ए पूरा ड्यूरेशन तक होल्ड करता तो उसका कितना होता, वो तुम लोग को पता ही है ना, तो बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर वन का बोल रहा है। बट अगर हम होते तुम लोग की जगह एकदम सेफ, कोई रिस्क नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिव वन अल्टरनेटिव टू, ठीक है ले भाई ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। अब इसमें लिखो नोट्स, नोट्स चालू करो, तो नोट्स चालू करो, लिखना नोट नंबर वन।
while conducting capital gain test, CG test, while conducting CG test for, while conducting CG test for the second investor, for the second investor, we will not take into consideration T1. We will not take into consideration T1 because we will not take into consideration T1 because he is tax exempt. Because he is tax exempt. Because he is tax exempt. Aur ek to kya bole the likhwayenge? Ye lo to likhwa diye. Aur ek to do bole the na? Ha likho. Number two, yaad aa gaya likho. Number two. One should remember. One should remember. It's capital gains test. It's capital gain test and not capital gains tax test. And not capital gains tax test. Full stop. Even if the investor is not liable. Even if the investor is not liable to capital gain tax, even if the investor is not liable to capital gain tax, then also in optional redemption dates question, then also in optional redemption dates question, we will carry out the test. Then also we will carry out the test. Then also we will carry out the test. नहीं नहीं वैसे नहीं. जब तक नहीं बोलेगा तब तक. अगर पूरा ब्लैंक है तब तो ठीक है. नहीं 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 ऐसे कैसे, हम भी तो चैरिटी कर रहे हैं. ना मत टैक्स का नॉलेज लगा के आ जाना, कोई हालत में नहीं. सुनो, तो क्या था उसमें. हाँ तुम क्या पूछ रही थी, मैं पूछो तुम भूल गए बोला. हाँ ये शी इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल फेस वैल्यू एंड प्राइस. ध्यान सुन लेना, ये दोनों सेम चीज है. नॉमिनल वैल्यू ऑब्लिक फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड का, जैसे 100 रुपए का माथा पे क्या लिखा रहता है, 100 रुपया, तो फेस पे कितना लिखा हुआ है. जैसे बॉन्ड है सर्टिफिकेट, बोला है रिडेम्पशन पे 100 देंगे, तो फेस वैल्यू हमेशा 100. फेस वैल्यू मतलब कितना लिखा हुआ है ऑन द फेस. बट इसका जब मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो हो सकता है इसका ट्रेडिंग 90 पे भी हो सकता है इसका ट्रेडिंग 110 पे भी हो. ठीक है, ये सब सिखाए थे ना तुम लोगों से, मैं जब चैप्टर रेट किए थे तब. चैप्टर रेट के टाइम में अंडर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, ठीक है, वो वाला सब. प्राइस इज समथिंग विच वी पे. हो सकता है 90 रुपीज चल रहा है तो 90 रुपीज प्राइसिंग हुआ है मार्केट के हिसाब से, बट हो सकता है यही चीज मेरे लिए महंगा हो लेकिन किसी और के लिए सस्ता हो. ठीक है, तो प्राइसेस जो हम पे करते हैं एंड नॉमिनल ऑब्लिक फेस वैल्यू इज जिसपे कूपन रेट लगता है. जिसपे कूपन रेट लगता है क्या बोलते हैं, नॉमिनल ऑब्लिक फेस वैल्यू. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें, देन हम लोग आज छुट्टी ले लेंगे. टर्म स्ट्रक्चर नेक्स्ट डे करेंगे. ठीक है, ओके. आज नहीं हो पाएगा और. मेरा फोन लेके देख ले भाई, पूरा ओपन 5772 पासवर्ड है.
मतलब बोल रहे हैं, घर में बच्चे लोग भी हैं, मतलब ठीक है, घर का इंश्योरेंस कराते तो क्या घर खुला छोड़ देता है क्या? गाड़ी का इंश्योरेंस तो गाड़ी खुला छोड़ देता है क्या? बोल। मिसेस जोन्स 44, अ नाइस ब्लेंड ऑफ मिसेस जोन्स। डाउट है क्या किसी का? मिसेस जोन्स, अच्छा समय, मन तो इतना चल रहा है ना कि 43 भी करा दे। बगल वाला कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो, फोर्टी थ्री कराएंगे नहीं, 44 कराने से पहले बस खाली एक मिनट डिस्कस कर दे रहे 43 को, उसका जो खाली प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना, 43 में नो कूपन। अच्छा पढ़ लेते इसका, क्या पिछपिछ कर रहे हो, 100 रुपए का कैपिटल पेमेंट है, 6 रुपए का कूपन है, इतना ही समझो, 100 रुपए का कैपिटल पेमेंट है, 6 रुपए का कूपन है, ठीक है। तो अब देखो चार केस बनेगा, नो कूपन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर देखो 100 रुपया कैपिटल है, 44 नहीं है, एंड कूपन है, कितने साल का बॉन्ड है ये, आई गेस 1 ईयर, 1 ईयर का बॉन्ड है ना। अच्छा देखो दो टाइप का बॉन्ड्स होता है, एक होता है रिस्क की और एक होता है रिस्क फ्री, तो इसमें वही कंपैरिजन करके दिखाया है, जो रिस्क की बॉन्ड होता है ना उसमें क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, सामने वाला अगर मेरा पैसा मार दिया तो, तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को पैसा दिया, उसका बॉन्ड खरीद लिया, बॉन्ड खरीदा मतलब क्या, तुम उसको पैसा दिया कि तुमको ब्याज भी मिलेगा, तुमको प्रिंसिपल भी मिलेगा, लेकिन दोनों ही नहीं मिला, पहला केस ही हो सकता है, वही सारा केसेस बनाया है लोग, ठीक है। तो डिफॉल्ट तो करता ही है, डिफॉल्ट तो करता ही है। आज तुमने वो देखो अभी जो लेटेस्ट जो स्कैम, क्या नाम है उसका, PNB वाला, उसमें क्या बोला, वो LOU खुलाते गया, पहले 100 करोड़, फिर 500 करोड़, तुमने पढ़ा वाला केस स्टडी, पहले 100, फिर 300, फिर 500, जब तक वो सेम आदमी था ना, जैसे इशिका, इशिका मान लो बुकी है, ठीक है। तो हम इशिका को बैंक का सारा रूल्स नहीं पता, ऐसे ही पाया गया एक्चुअली, उसको बैंक का रूल्स नहीं पता है, एंड हम बोले कि हमको पेमेंट करना है तो एक LOU खुलवाइए। LOU मतलब क्या होता है, फॉरेन में मेरे को पैसा देना है तो इंडियन बैंक गारंटी कर रहा है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो PNB पैसा देगा, ऐसा करके उसमें कुछ था। तो पहले तो 100 करोड़ का खुलवा लिए LOU, फिर 2 महीना के बाद जब मैच्योरिटी का पैसा देने का बारी आया, 100 करोड़ मेरा, हम मान लो कौन, एन मोदी, ठीक है। तो हम इसको बोले कि आपका पहले का 100 करोड़ देना है ना, एक काम कीजिए 300 करोड़ का LOU खुली है आपकी बार, तो 100 करोड़ आप उन्हें ले लीजिएगा और 200 करोड़ उसको देना है, तो आपकी बार कितना का हो गया, 300 का हो गया। फिर जब मैच्योरिटी आने वाला हुआ, फिर 2 महीना पहले गया, एक काम कीजिए 500 करोड़ का खोलिए, आपको 300 देना है ना, तो 300 आप ले लीजिए और देना है। इस तरीके से करते 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 6,000 करोड़ हो गया ओवर। हाँ यही है, यही केस हुआ है, तो उसको पढ़ो। स्टार्ट हुआ था गेस 100 करोड़ से, एंड वो बढ़ते 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 6.5, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, 6,000 करोड़ का हो गया जो भी। तो भाई इज्जत है मेरे लिए, तो उसके मन में मतलब उसके लिए तो मेरे दिल में बहुत इज्जत है भाई, क्या गजब का दिमाग खोल के। और एक्चुअल में क्या हुआ, पूरा बैंकिंग में समझ लो, चैनल में किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बदले अब ये आई, वेदिका आई, तो वेदिका बोली प्रूफ दीजिए, कोलैटरल दीजिए। अरे भाई तुम इतना बड़ा अमाउंट का बोल रहे हैं LOU खोल दो, तो कुछ प्रूफ तो दो, कुछ कोलैटरल तो दो मेरे को। कोलैटरल मतलब घर रखो, गिरवी, तुम कुछ नहीं मांगा, ऐसे खोल दिया बस। तो आई तो सब पूरा स्कैम पकड़ा गया उस समय। तो यही सब होता है, तो डिफॉल्ट का तो बहुत बड़ा चक्कर है। अब जैसे कुछ लोग नहीं देंगे, जो करना है कर ले, स्टील सेक्टर में इतना बड़ा बड़ा भी हो रहा है ना, नहीं देंगे, जो करना है कर ले, क्या कर ले, कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब के लिए बहुत इज्जत है। एक और था, पढ़ रहे थे उसमें, मतलब सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव फेक, मैंने उसका एक एम्प्लॉय, मतलब जो HNI क्लाइंट्स होता है, हाई नेट इंडिविजुअल क्लाइंट्स होता है, तो गया उसके पास में, जैसे मान लो सिद्धार्थ संथालिया, ये बहुत अमीर बनेगा आगे जाके, तो इसका हाई 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है इसका। तो बोले सर देखिए इन्वेस्टमेंट आया है, तो ये आप लेंगे क्या? तो बोला कंपनी ने, सिटी बैंक ने नया नया खोला है, तो ऐसे करके सिद्धार्थ जैसा 10-6 लोग को
हम बना दिया पूरा, गया उसके पास में, बोला हाँ सर आप इस फंड के नाम पे पैसा दे दीजिए, और पहले से ही सिटी बैंक में हम उस, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप पैसा डाल दीजिए 20 करोड़ रुपया, तो ये डाला 20 करोड़ रुपया, जबकि वो मेरा अकाउंट है, हम अपना एक फेक कंपनी वगैरह बना के उसमें अकाउंट खोल लिए, ऐसे करके 400 करोड़ का स्कैम करके निकल गया। ऐसा होता है, इसलिए बैंक का जब रिप्रेजेंटेटिव का फोन आएगा ना, तो ऐसे डायरेक्टली पैसा नहीं दे देना चाहिए। 20 या फिर 30 HNI क्लाइंट्स को बेवकूफ बना के चला गया, 400 करोड़ का स्कैम था वो। मैंने सोचा कितना इजी हम लोग विश्वास भी कर लेते कि हाँ वो, अब मेरे पास भी फोन आता है कि आप ICICI, मेरा ICICI बैंक में अकाउंट है, तो बोलता है सर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब फोन रख। तो ऐसा होता है, क्या चीज मतलब भाई पूरा सब दिखाया है, बोले देखिए सर ये प्रोडक्ट है मैगजीन, अब क्यों नहीं हो सकता, वो सिटी बैंक का एक वो था, वो सिटी बैंक का ही तो एम्प्लॉय था, उसको तो कंपनी का सब वैसा कोई भी नहीं था वो, बल्कि सेबी जो रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरा रेगुलेट जो करता है उसका पूरा सब फेक निकलवा लिया, बोले देखिए सर सेबी अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत सेबी का होता है, अगर कोई इन्वेस्टर का ग्रीवेंस होता है तो उसको सॉल्व करता है वो लोग रिलेटेड टू मार्केट, तो बोला ये देखिए ये है ये है ये है, 400 करोड़ सामने निकल गया। ये लोग के लिए भाई बहुत इज्जत है दिल में, ठीक है। तो उसको छोड़ो, देखो इसका केस देखो, नो कूपन और कैपिटल पेमेंट नहीं देंगे, जो करना है कर ले। तो जीरो का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1। ये पढ़ा है ना तुम लोग, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, तो ऐसा तुम लोग पढ़ा नहीं है, पटाखे जाके ऐसा हम लोग का कोर्स में तो नहीं है, एक SPV बनता है, मैंने इस तरीके का उसमें फ्रेमिंग करता है ना, ताकि तुमको नहीं छुपाए कोई भी, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर बनाते जाते हैं, एंड तुमको कोई नहीं छुपाएगा, कुछ भी होगा ना तो उसको डिफॉल्ट होगा, जो करना कर लो कंपनी से, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये सब पढ़ा ना तुमने, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ये सब सबको बहुत यूज होता है, एंड ये सब में सबसे फेमस कौन है, चार्ट अकाउंटेंट। तो कैपिटल पेमेंट रिसीव बट नो कूपन पेमेंट कितना होगा, कैपिटल पेमेंट रिसीव बट नो कूपन पेमेंट रिसीव, इसका मतलब क्या, 50% ऑफ कैपिटल पेमेंट बट नो कूपन पेमेंट, मतलब क्या भाई, देख ले इतना ही है, जो करना है कर ले, बोथ ले ले भाई ले ले 106। तो उसका फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड पे आउट, एंड फिर उसको आई से करके आई निकालना है, एक्सपेक्टेड पे आउट निकाल लेंगे कितना आएगा, कुछ भी आएगा, और फिर उसको आई करके वहां से आई निकालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल ले लो। और 44 में आओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाँ PX समिशन PX, एक्सपेक्टेड पेमेंट निकालेगा एट टाइम 1, चार केसेस है 0, 100, 50, 106, और इसका सब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड पेमेंट कैसे निकालेगा, P into X समिशन PX, तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड पेमेंट, बस फिर उसको I से मल्टीप्लाई करके निकालना है आंसर। देखो 44 देखो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई इसको पर्सनल लेवल पे, हो गया बेटा नींद, लग रहा जबरदस्ती बुक खोल के रखा है, आंख खोल के रखा है, घर जाएगा तो कोई नींद भी नहीं आएगा। मिसेस जोन्स इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी फॉर अ रिटायरमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन 20 ईयर्स टाइम, कितना साल बाद रिटायरमेंट होगा उसका, द मनी इज इन्वेस्टेड इन अ जीरो कूपन बॉन्ड Which provides a return of 5% per annum effective. इसका मतलब क्या है, मनी लगाइए जीरो कूपन बॉन्ड में, तो जीरो कूपन बॉन्ड से कितना रिटर्न मिलेगा, कॉपी में एक लाइन टानो, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन टानो, 0, 20, मैंने 20 एकदम बाद में नहीं, क्योंकि 20 के बाद भी कहानी है, तो 0 थोड़ा टाइम बाद 20, तो 0 से 20 में रेट कितना चल रहा है बताओ मेरे को, 5, और लाइन डाल तो ऐसे लाइन डाल दिया क्या, पता ही था, छोड़ दो भाई, छोड़ो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, 0, 20 बोलिए, जिसमें पैसा लगाइए उसमें कितना होगा, 5%, एट रिटायरमेंट द इंडिविजुअल रिक्वायर्स सफिशियंट मनी टू परचेज एन एनुइटी सर्टेन ऑफ 10,000 पर एनम फॉर 25 ईयर्स, रिटायरमेंट कहां पर हो रहा है,
20 पे, तो 20 से 25 साल और, मतलब टोटल कितना हो गया? ओके, द एनुइटी विल बी पेड मंथली इन अरियर एंड द परचेज प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर का इफेक्टिव कितना चल रहा है? दो, बिकॉज आई फोर आई 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 टू दिया है, आई टू कितना दिया है? फोर, तो आई टू बाई टू 2%, तो 2% का टेबल बुक निकाल लेना सब लोग. कैलकुलेट द सम ऑफ मनी द इंडिविजुअल नीड्स टू इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20 ईयर पीरियड, तो कैसे निकालेंगे? टेन थाउजेंड बोलो, अरियर में हो रहा है क्या? मंथली इन अरियर है, हाँ 12 नहीं, एट द रेट 4.04%. अगर ऐसे नहीं करना है तो और कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, 5000 ए 56 एट द रेट 2%, ये कहां पर आया? 20 पे. क्वेश्चन में निकालने के बोला है इंडिविजुअल नीड्स टू इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 20 पे, मतलब यहां पर मांग रहे हैं, अभी पैसा कहां पर आया है, तो इनटू क्या करेंगे बताना? वी कितना रेट पे? 5%, 1.05 टू द माइनस 20. सॉल्व करो प्लीज इसको, बी पेशेंट एंड सॉल्व द सम, लास्ट सम फॉर टुडे. कितना? 59.7. ये तो आ गया. अब इसका देखो, लोपा फेंक दिया है, लोपा मीन्स लॉलीपॉप. 143 जीरो पे है, 340 20 पे है, तो जे निकाल सकते हैं क्या? जे तो तुम लोग सब भूल गया होगा, जे क्या होता है? निकालो जे, निकालो 340 बाय 143 टू द पावर 1 बाय 20 माइनस 1. अभी तक ये सब समझ में आना चाहिए था. 340 बाय 143 टू द पावर 0.05 1 बाय 20 एंड नीचे उतर के माइनस 1, यही तो करते हैं. क्या बोला निशान? मैं फिर से कोई बोल रहा है 143 इंटू 1 प्लस जे, तुम लोग बच्चा की तरह लिखो 143 इंटू 1 प्लस जे टू द पावर 20 इज इक्वल टू 340. अब सॉल्व करो फॉर जे, इसका मिलेगा तुम लोग को 0.25 मार्क्स. तो रियल रिटर्न कैसे निकालेगा? 1 प्लस आई बाय 1 प्लस जी माइनस 1, तो कितना आ रहा है रियल रिटर्न? 0.5. गलत बात एकदम. पॉइंट 0.5% आ रहे क्या? 0.55 आ रहे.
फिर से वन प्लस जे आई क्यों होगा, ये इजी है ना। अब देखो और एक आ गया है थर्ड पार्ट, क्या बोल रहा है, जो सम पकड़ लिया ना भाई अला पूरा 12 नंबर ले जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के, इतना इजी सी पार्ट्स है, ऐसे तुम लोगों को टफ लग गया बस। ट्वेंटी फाइव परसेंट कैपिटल गेन्स टैक्स है किसमें है, जीरो कूपन बॉन्ड पे। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी वैल्यू कितना बताना पहले मेरे को एक बार, एक काम करो कैलसी में मारो 59707 इंटू 1.05 टू द पावर 20, कितना यही आ रहा है क्या, यही होगा मैच्योरिटी प्रोसेस उसका माइनस 5000 एक मिनट को धीरे धीरे करते हैं, ये मैच्योरिटी प्रोसेस सबका आया, अभी क्या बोल रहा है कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, तो ये सेल है परचेज कितना में बताओ 9871 2.3, इसका कितना परसेंट, कितना आ रहा बताना कैपिटल गेन टैक्स 24.075। अभी सम खत्म नहीं हुआ, तो कैपिटल गेन टैक्स आया है, अब बोल रहा है क्या, बोलता है नेट इफेक्टिव, नेट एनुअल इफेक्टिव रियल रेट, तो पहले नेट मनी यील्ड निकाल लो और फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे जे के साथ में। तो देखो कैसे निकालेंगे 59707 1 प्लस आई टू द पावर 20 इज इक्वल टू व्हाट 158420, सही है कि गलत है बताओ, गलत है, गलत है ना, क्या सही होना चाहिए माइनस 24678, कितना आ रहा माइनस के बताने एक बार 1337410.925। यहां तक किसको नहीं समझ में, हाथ उठाओ, ये लेट सब किसको नहीं समझ में आया, ठीक है सबको। अब यहां से आई निकालो 4.11, ठीक है, और जे कितना आया था मेरा 4.4 4.4256%। तो यहां से आई डैश आएगा भैया, देख के पता लग रहा है क्या आएगा, आई डैश नेगेटिव, ठीक है। तो और लास्ट पार्ट में क्या बोला है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इतना प्रेशर दोगे तो होगा ही, पहले तो तुम क्या बोले, पहले इन्फ्लेशन को लो, इन्फ्लेशन को लिया, फिर कैपिटल गेन टैक्स भी हो रहा है तो सबको लेंगे तो आएगा ही, माने रियलिटी में ऐसा हो रहा है। प्लीज करके जाना पूरा, करो इसको, आई डैश कितना है बताओ मेरे को, माइनस 0.297723। एक मिनट, ये तो सम है ना, ये तो सम है ना, एक मिनट, ये देखो तुम लोग जो पढ़ा है उसको अभी अप्लाई करो, तो अब जा यहां से नहीं तो मार खाएगा एक मिनट छोड़ रहे हैं, अभी जैसे अगर सर्च करेगा इंडिया में 6% के आसपास का इन्फ्लेशन चल रहा है, 5 से 6 के आसपास का, बैंक में अगर पैसा रखता है तो बैंक कितना देता है इंटरेस्ट, 7.5 कहां देता भाई, चार 4.5 सेविंग्स में,
तुम फिक्स डिपॉजिट का बात नहीं कर, चार सर्विस सेविंग्स में, ठीक है? आप सुनो, अगर ये हिसाब है तो बैंक में पैसा रखना तो मतलब बेवकूफी है, बोलो हाँ। तो नेट नेट में क्या आ रहा है, रियल यील्ड क्या आ रहा है इसमें? नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं ऐसा कि यू शुड टेक लिटिल बिट रिस्क एंड यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और लाइक शेयर्स में भी, तब तुमको एटलीस्ट यू विल इरोड जो तुम्हारा ये पूरा तो इन्फ्लेशन खा जा रहा है ना। एक साल में 100 का 104.5 हुआ एंड चीज का दाम बढ़ गया 106 हो गया। क्या चीज? बहुत कम है भाई, 5 मैक्सिमम आसपास ही होगा, ज्यादा नहीं है। एफडी इज गुड, एफडी तो फिर भी ठीक है मतलब, लेकिन हाँ ठीक है। तो सुन लो, ये आज करा दिए, इसका सम्स बोल दे क्या? एक बार लिख लो सम्स, लिखो एक बार, एक से लगेगा। होमवर्क लिख लो, 3, 4, 3, 4, बुकलेट 4 का ही तुम लिख लेना प्लीज, 3, 4 पकड़ना। वॉकआउट करा कुशल, 17 24, 31, 33, 35, 43, 39, ठीक है? कितना हो गया? कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है? ओके स्टॉप कर दो।